कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। वहीं राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां भाजपा इस दावे को खारिज कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगा रही है। वहीं सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो इस वैक्सीन के फायदे अधिक है और नुकसान बेहद कम है। इसलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन सेफ है और जिसको साइड इफेक्ट होने थे वो वैक्सीनेशन के बाद ही हो गए होंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अब जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि TTS कहते हैं, जिस जो क्लॉटिंग होती है TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए किसी को, हार्ट अटैक हो जाए किसी के, एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया गया।